और मैं जानबूझ के नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरी 8:30 की बात कोई बात नहीं हुई, किसी से मैंने बात नहीं करी क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, और जो मेरा वोट है खड़गे जी को जाएगा। सब रीजन क्या होता है, आपने पूछा नहीं दिग्विजय सिंह जी से? उन्होंने कहा क्योंकि खड़गे जी भर रहे हैं, तब वो वरिष्ठ हैं, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो इसलिए मैं नहीं भरूंगा। सज्जन सिंह वर्मा जी ने कल ही बता दिया था सर, दिग्विजय सिंह अब पता नहीं शायद ना हो। मैंने कहा फॉर्म खरीदा है, फॉर्म भरेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे। अचानक क्या हुआ ये सारे? मैंने तो गोविंद सिंह जी को कहा था, दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझे कहा था कि प्रस्तावक यहाँ पहुँच जाए। मैंने गोविंद सिंह जी को कह दिया था आप चुन के जिनको भेजना है भेज दो, मैं तो जानता भी नहीं कौन गए थे, कुछ भी आई थी व्हाट्सएप में पर वो तो मैंने पढ़ा पढ़ा नहीं, क्योंकि गोविंद सिंह का था कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। नौतम मिश्रा जी ने कहा है कि पहले ही जानते थे कि कौन नौतम मिश्रा जी कहें कि कौन नौतम मिश्रा ने बयान दिया कि मुझे पहले ही मालूम था कि कमलनाथ जी के चलते दिग्विजय सिंह बनी नहीं पाए। आपकी शक्ति बहुत भारी, आपकी शक्ति बहुत भारी। नरोत्तम मिश्रा अगर कांग्रेस के बारे में इतना जानते हैं, वो उतना बीजेपी के बारे में भी जान ले वो अच्छा रहेगा। खड़गे जी पहले से प्रत्याशी बनने वाले थे, ये सब अचानक हुआ, आपको क्या लगता है? अब ये सब में पहले से था, चर्चा तो बहुत थी, पहले पूरे मीडिया में खड़गे जी की चर्चा थी, तो चर्चा तो चली रही थी। अब खड़गे जी ने क्यों तय किया, कैसे तय किया मैं नहीं जानता। गहलोत जी का आपने उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया, वो लड़ नहीं रहे, इसके बाद फैसला किया जाएगा। कल वेणुगोपाल जी ने स्टेटमेंट तो कुछ दिया है, वरिष्ठ हैं, दक्षिण से हैं, ठीक है, बहुत वरिष्ठ नेता दक्षिण से हैं, तो दक्षिण को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सर मध्य प्रदेश का होने के नाते आपको नहीं लगता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की तरफ से बहुत कद्दावर उम्मीदवार थे, अच्छे उम्मीदवार हैं? दिग्विजय सिंह देखिए 10 साल मुख्यमंत्री थे, 10 साल अध्यक्ष रहे कांग्रेस की, उनको पूरे प्रदेश के बारे में जानकारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।